गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडिंग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। एज इन प्रीवियस क्लास यू ऑल वर स्टडीड अबाउट फाइबर टू फैब्रिक, राइट? उसमें आपने पढ़ा था कि जो फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। अब आप यहाँ पे जानोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। द क्लोथ विच वीयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बने हुए होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। अब फाइबर्स जो है, जो फैब्रिक जो जिससे बनता है, वो फाइबर्स जो है हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों सोर्सेस से मिलता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स से जो है वो बहुत सारी जो घर की जो चीज़ें हैं ना, घरेलू चीज़ें, वो भी बनाई जा सकती है। कैसे, वो देखिए आगे है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ट्राई टू सेपरेट दैम इंटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। इस टेबल में आपको बनाना है, कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बताऊँगी। 3.1 व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? देखो, आप यहाँ पे देखो, ए और बी में आपको बताया ये बीड्स है और ये पेपर क्लिप्स जॉइंट जो है वो चेक किया गया। देखो, इसके अंदर जो आप देख रहे हो, जो धागा लिया गया है बीडिंग में ना, बीड्स के साथ जो धागा है, ये सिंथेटिक है, ठीक है? यहाँ पे अ सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिटी इज एक्चुअल अ केमिकल सब्सटेंस। अब जो सिंथेटिक जो धागा होता है ना, वो भी एक छोटी छोटी जो है वो कणों से चेन के रूप में बना होता है। एक्चुअली जो ये चेन्स होती है ना, ये क्या होती है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। जो पॉलीमर आप कई बार यहाँ पे देखते होंगे, अपने पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ होती है। पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जितने भी जो ये जो चीज़ें, जो छोटी छोटी जो सिंगल यूनिट्स होती है, इसको एक थ्रेड में, एक सिंथेटिक फाइबर में जो बनाया जाता है, वो पॉलीमर कहलाता है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट। यानी बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स से बनाया जाता है। नेक्स्ट है 3.2 में, आप देखिए टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। रेयन, ओके, यू हैव रीड इन द क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म्स वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज कैप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पता है ये जो सिल्क वॉर्म है, वो किस लोगों ने, चाइनीज़ ने डिस्कवर किया था और उन्होंने बहुत टाइम तक जो है इसको सीक्रेट बना करके रखा हुआ था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो सिल्क हमें फाइबर मिलता है ना, वो बहुत कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैक्सिनेटेड एवरीबडी। पर इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है, वो सबको बहुत पसंद होता है। सिल्क ऐसा होता है, अगर आपको प्योर सिल्क मिल जाए ना, तो वो प्योर सिल्क की जस्टिफाई कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो पूरा, अगर मतलब कोई सिल्क की साड़ी है, ठीक है, सिल्क की साड़ी बोल रही हूँ, ठीक है, वो अगर प्योर सिल्क की होगी ना, तो आपकी एक छोटी सी अंगूठी में से पूरी की पूरी साड़ी निकल जाएगी। सिल्क इतना प्योर होता है और इतना उसका टेक्सचर जो है वो फैसिनेटेड होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे जो इसकी रेयर बात है, वो ये कि ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। बहुत सारे लोगों ने जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाना शुरू कर दिया है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। साइंटिस्ट ने 19वीं शताब्दी के बाद में जो है उसमें सफलता प्राप्त की थी कि उन्होंने सिमिलर, सिल्क से सिमिलर जो है एक, उन्होंने वैसा का वैसा फाइबर बना दिया था।
सच अ फाइबर वॉज ऑप्टेंड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. जो लकड़ी का पल्प होता है उसमें केमिकल मिला करके उससे ये फाइबर बनाया जाता है. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. इसको क्या बोला जाता है, या तो रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है. ऑल्दो रेयन इज ऑप्टेंड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प. रेयन रेयन जो है वो किससे मिलता है, जो लकड़ी का जो पल्प होता है उसमें से इसको बनाया जाता है. येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर. इसीलिए ये क्या है, मैन मेड फाइबर है. इट इज़ अ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. इसीलिए ये जो है वो ओरिजिनल सिल्क के मुकाबले बहुत सस्ता होता है और इससे जो है बिल्कुल सिल्क की तरह के कपड़े बनाए जा सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर. इसको बहुत सारे कलर्स में डाई भी किया जा सकता है. रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स. कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाया जा सकता है और वुलन के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जा सकता है. अब यहाँ पे देखिए नायलॉन. नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर. नायलॉन भी जो है वो मैन मेड है, ठीक है, हमें नेचुरली नहीं मिलता है. इन 1931 इट वॉज मेड अप विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल. बता दिया आपको कि ये जो है नेचुरल नहीं मिलता है. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. ये किससे, कोयले से, पानी से और हवा से मिला करके बनाया जाता है. इट वॉज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. ये जो है पहला जो है सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर कैसा है, एक तो बहुत स्ट्रांग होता है और इसमें इलास्टिक होता है, मतलब इलास्टिक की तरह इसको खींच सकते हैं, और लाइट होता है मतलब बहुत हल्का होता है. मैं आपको नायलॉन की एक पहचान बताती हूँ. अगर नायलॉन का धागा आप तोड़ने जाओगे ना तो आपकी स्किन कट जाएगी, लेकिन नायलॉन नहीं कटेगा क्योंकि वो जो है वो इलास्टिक जैसा होता है, ठीक है. इट वॉज ल्यूस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. ये नायलॉन जो है वो बहुत हल्का होता है और बहुत आसानी से धुलाई की जा सकती है. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. इसीलिए नायलॉन के कपड़े जो है वो बहुत पॉपुलर है और बहुत इजी बनाए जा सकते हैं. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एक्सेट्रा. अब देखिए नायलॉन से इतनी सारी चीज़ें बन सकती है. नायलॉन इज Also used for making parachutes and rope for rocking climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. ठीक है, स्टील वायर जो आता है ना उससे भी ज़्यादा जो है स्ट्रोंगर होता है, ठीक है. एक्टिविटी 3.1 में जो ये डायग्राम बनाया हुआ है और जो इसका इसको जो स्क्रिप्ट किया हुआ है ये आपको अपनी CW की नोटबुक में बनाना है, ठीक है. और उसके बाद जो है, उसके बाद ये वाला, अब आ जाइए फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. ओके, अब यहाँ पर एक दिया हुआ है स्लोगन, जो कोटेशन है वो देख लो. माई मदर ऑलवेज बायज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर. आई वंडर व्हाट पेट इज़. पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर की तरह बैग होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. तब आपने इसमें पढ़ा था कि ये पॉलिस्टर फाइबर्स कैसे होते हैं, जो हाउस होल्ड वर्क भी करते हैं, उनसे हाउस होल्ड चीज़ें भी बनाई जा सकती है. जैसे कि क्या, बॉटल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, फिल्म बनती है, यानी वो जो कैमरे में रोल डालते हैं ना वो, वायर्स बनते हैं और बहुत दूसरी चीज़ें बनती है. लुक अराउंड द मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर. यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. सो आपको ये बताना है, इसके अंदर आप देखोगे कि पॉलिस्टर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है. ये जो पैराग्राफ में बना हुआ है, पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एंड ईस्टर. ये आपको मैंने पहले भी बता रखा था. अब इसको एक बार आप डिटेल में पढ़ोगे, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे पूछोगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3.3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो फील फ्री आस्क मी. ओके, फाइन, बाय बाय.